हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 5:30 बजे हैं, घूमने का प्रोग्राम है। और कहाँ पे है घूमने का प्रोग्राम? भैया के घर। भैया के घर, अमित भैया के घर। भैया के घर घूमने का नहीं, जाने का ऐसे ही प्रोग्राम है। मुझे जो है वहाँ पे गए होगे बहुत दिन, तो आज मैं जाऊंगी घूमने के लिए। देख का वो कितना काम। मैं तो कभी भी नहीं गया था। ये जत्तर है, मैं देख लो कितना झूठ बोल रहा है। मैं तो कभी भी नहीं गया। गया तो है भाई, झूठ बोल रहा है। उस दिन लैंटर खुला था, उस दिन भी गया था तू। तो ये तो चक्कर लगातार है। खाना लेके नहीं गया था तुझे? हो गया एक महीना गए। एक महीने से ज्यादा हो गया है। चल तो भाई, चलो चलते हैं जी घर, देख के आते हैं क्या क्या काम हो गया है। जब तक तो नीचे की छत भी नहीं बनी थी, अब बन गई ऊपर की भी, अब तक मेरा जाना नहीं हुआ। चलो चलते हैं। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर घेर में से। और जब घेर में से चले थे ना, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहां से चलते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और अभी हल्की फुल्की सी बारिश चल रही है। आरुष बार बार जिद कर रहा है सबसे ऊपर वाली छत पर जाने के लिए, और कह रहा कि ताऊ जी मुझे ऊपर लेके चलो। ओ भाई ज्यादा दूर नहीं मारना, कभी किसी को लग जा, गली में नहीं फेंकना, ठीक है? हाँ उस छत पे फेंक ले, छत पे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर पास में ही घर है ना, तो वहाँ पे कोई रहता नहीं। आज पीछे वाला फिर भी तू। ये मुआयना करने के लिए आई थी यहाँ पे, इसे देखना था यहाँ क्या क्या चल रहा। अभी काम रुका हुआ है ना, लिंटर ऊपर का डला था, तो 2-4 दिन का ब्रेक चल रहा अभी, क्योंकि आगे काम करने के लिए इसका खोलना बहुत जरूरी है पहले। तो ये 8-9 दिन तो हो गए होंगे इसे, 2-4 दिन और लगेंगे। ये क्या बना भाई तन्ने हो? फूकनी है? फूकनी बनाई क्या? मच्छर का है। मच्छर? अब नींदिन में मिलने के मच्छर? मच्छर तो रात को ही आवे तेरे पास में। और उसको जिद लगी है कि मुझे सबसे ऊपर वाली छत पे जाना है। और देखो ना भाई, मुझे तो डर लगा क्योंकि ये आधा जिन्ना खुला हुआ है ना। हाथ पकड़ के ले जाइयो इनका, ये देखो यहाँ से खुला हुआ है ना यो। और मुझे तो डर लगा है, ये देखो रेलिंग नहीं है ना अभी। चले जाओ आराम से, अभी मैं नहीं जाने की भाई। चिंकी मुझे बोल रही मम्मी आ जाओ, क्या डर लग रहा आपको? पर मुझे डर लगा है, ये देखो यहाँ से कितना रिस्की है, ये नीचे को देखा है तो कितना डर लगे। चिंकी को नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा चिंकी को तो घूम गए। हल्की हल्की सी बूंदे जो है पड़ रही है, और पानी में पता चल रहा, वैसे नहीं पता चल रहा। और आरुष जिद कर रहा कि इस पानी में मुझे कूदना, जंपिंग करनी, लेकिन अभी ऊपर कोई वो नहीं है ना, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। जब ये हल्की हल्की सी बूंदे पड़े ना, तो कितना अच्छा लगे, गोल गोल सा एकदम धारा बन के आ जा। तो फ्रेंड्स, ये है ताऊ जी का घर, जो कि अभी आधा बन चुका है ना मम्मी? और ये यहाँ के गेट आ चुके हैं। मम्मी कह रही फिर यहाँ पे ताऊ जी मूसला लगा देंगे। मूसला मतलब लॉक, ठीक है जी, ताला। देखो ये दो गेट आए अंके, लग रहे इतने बड़े बड़े गेट है, ये छोटा सा तो कैसा लगेगा। तो अभी यहाँ पे पापा ने कपड़े डाल के सीट बना लिए, उनके कपड़े फिर तो गंदे ही हो जाते। पापा जी अब शूज कैसे पहन लो? शूज के बिना बाइक चलती नहीं मेरे पे। अच्छा, और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, झरना चल रहा है, हल्का झरना। जल्दी है अभी घर, और शाम के खाने की भी तैयारी करनी। बोन जो है रुकने वाली तो है नहीं है, बारीक बारीक सी बोन चल रही है। चलो भाई, बाइक मोड़ ली इन्होंने आराम से। चिंकी बता के बैठा करें, चिंकी बता के बैठा करें, ठीक है? देख कैसा लगा ताऊ जी के घर घूम के। कहाँ जा रहे फिर? कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे फिर कहीं। हाँ? जाना।
नहीं बस इसे भी जाना पता नहीं जहाँ पापा जा रहे देख लो क्या कह रहा जहाँ पापा जा रहे मुझे भी जाना देख पिताजी क्या कह रहे अभी आया देख कितना काला काला बादल आ रहा आ जाओ तो आप भी करिए आ जाओ आ लिए तेरे पापा तो देख आ तो लिए ये देख मैं आ लिए ये आ लिए काला काला राम जी आ रहा देख कितनी तेज बादल आ रहे चप्पल देखी पिताजी की देख पिताजी क्या कह रहे चप्पल तो टूट रही तो नहीं ला के दे दे है भाई अब पिताजी वहां जाते ही नू कहने लगा नू घर चलो रुकता भी तो नहीं कहीं सी आते ही माँ से ये पूछ रहे गुस्से गुस्से ढक रखे है नहीं जने गुस्से तो ये पत्ते है इतनी फिगर है ने जब भी बादल आवेगा मुझे भी ऊपर नू ही कहेंगे कहने लगे गुस्से ढक रखे क्या बारिश की फिकर है मुझे बारिश की फिकर ना करो बारिश की गुस्से भीग जान दो पर बारिश होनी चाह ये देखो सोनिया का फोन आ रहा नमस्ते ठीक है सोनिया हाँ ठीक हूँ मैं तो और घर परिवार में सब ठीक है आ तो रहे बादल देख तेरे पीछे देख तो यहाँ भी ऐसे ही है यहाँ भी यही हाल है देख कितने काले काले बादल आ रहे आज मैं तो बहुत दिनों में गई थी यहाँ दीदी बहुत मजा आया अब भी आई जाओ ठीक है आए थे ठीक है कह रहे थे फिर आए थे जब मैं मम्मा के जा रही थी एक दिन रुक नहीं सको थे आप पीछे तो मुझे चांदन ऐसा लग रहा है बुगले उड़ रहे बुगले उड़ रहे पर सोख रहा है बल्ले बल्ले मजे आगे बुगले उड़ रहे वर्षा इतना हसीन इतना खूबसूरत मौसम आज का दिखाने के लिए मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी जल्दी चलो बादलों में कुछ दिख रहा व्हाइट व्हाइट से कभी कुछ दिख जा अच्छा जल्दी चलो देख लो अभी दिखा मुझे इधर चांदना हो रहा इधर अंधेरा हो रहा चलो चल ले ऊपर बारिश देखने के लिए तो आतुर रहते हैं सब और ये बादल देखने के लिए हैं खाली मतलब बादल भी अगर इन्हें दिख रहा तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है सब तैयार हो रहे हैं बारिश में नहाने के लिए और इनकी प्लानिंग है बारिश में नहाने की लेकिन बारिश के चांस मैं बता दूं आपको कितने हैं पहली तो बात काफ़ी दिन हो गए वेट करते हुए कुछ नहीं हो रहा ये देखो चार बूंदें पड़ी हैं और तपन और निकल रही धरती में से भी और छतों में से भी बाकी हवा ठंडी लग रही है कुल मिला के बात यह है बारिश हो या ना हो लेकिन अगल बगल कहीं हो रही होगी तो हवा ठंडी आ रही है देखो इधर से सामने से और चिंकी चिंकी क्या करेगी अच्छा धागा ले लिया मैंने क्या उड़ा रहा तू ये धागा ले लिया देखो पहनने से क्या करेगा धागे का एक लकड़ी दे ये देखो गरजने शुरू हो गए हैं अब ये पता नहीं बरसेंगे या नहीं इधर से जोर जोर आवाज आ रही है और अमित तो लाइव चल रहा पता नहीं किसके साथ चल रहा मम्मी टाइम लैप्स लगाओ देखो
आई तो है, अभी हल्की है, जोरदार बारिश की हो रही है। वेट मैंने कहा आज पूरा पूरा मूड है, अगर सही सी हुई तो नहाएंगे जरूर, ना तो रही है अभी, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो, क्योंकि इस सीजन में तो गाछ के एक भी मोन नहीं लगी आज तक, क्योंकि जब पटी नहीं लगेगी तो कहाँ से। आज थोड़ा सा मौसम ऐसा ही, भगवान तेज सी कर दे, जहाँ ज्यादा आ रही है ना, जहाँ बाढ़ वगैरह आ रही है, वहाँ की बाढ़ के थोड़ी सी इधर के हिस्से में भेज दो। तेज कहते ही तो कम होगी एकदम, तेज कहते फिर कम होगी भाई। लेकिन आज मैं भी डटा रहूंगा, पूरा मूड है मेरा, रात को जब तक मुझे नींद नहीं आती, अभी शाम के बजे होंगे 6:30, तब तक मैं यही रहूँगा, बारिश की वेट करता रहूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा तो नहीं है, ना ही प्रण है, बस एक मूड से बढ़ना है ऐसे ही। वाली बात है, क्या? सावन शुरू हो चुका है और बारिश भी हो चुकी है। सावन के मौसम में पहली बार, सावन के महीने में पहली बार बारिश हुई है, और यहाँ पे बता रहे हैं इतनी तकड़ी बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई है, और हमें भी स्विमिंग करनी पड़ रही है, और चाचा जी ने झूला झूलने से मना कर दिया है, और मैंने बिस्कुट का पैकेट नीचे पैक के मारा, सारा धनिया नीचे है, चुगलो से जाके जाओ, चुग चल मैनी चुगरी चुगलो, बाय बाय फ्रेंड। तो जी सारा सामान संगवा के लेट गई थी, फिर देखा क्या बारिश होनी थी, थोड़ी सी हुई, ज्यादा तेज नहीं हुई, जैसा नाम बारिश का ले रहे हम। हमारी क्लास में एक सीन लग रही, उसमें भी लड़की झूला झूल रही, इसे झूला लगाने की लग रही, लेकिन हमारे यहाँ झूला लगाने की कहीं जगह नहीं है, पर देखेंगे उधर चाचा जी के वहाँ लगा लेंगे, कोई बात नहीं। वहाँ से इतना बड़ा खुंटा है, इतना मजबूत खुंटा है, नींद तो ऊपर चले जा। पहले भी झूला करे नहीं करे थे, जब तरुण भैया और मयंक भैया थे कितने मजे करे करे थे। हाँ। एक बार हमें गोल गोल घुमा दिया मयंक भैया ने। हाँ मान गई तो कह रही मैं। और जी क्या नाम, बाहर का मौसम तो थोड़ा ठीक सा हो गया, अंदर बहुत गैस बन रही, कमरों में पंखे भी असर नहीं कर रहे। मैंने गोल गोल घूम लाई, मुझे चक्कर आ गए, फिर मुझे क्या हुआ, मेरा पैर इतनी तेज दीवार में लगा था, मैं क्या इतनी थे लगा था मेरे पैर में।